हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपक। वेलकम टू स्टडी अलोन। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इंडियाज रैंक इन वेरियस इंडेक्सेस। इंडिया का क्या रैंक है वेरियस इंडेक्सेस में, जो कि हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ दीपक कुमार तिवारी, एंड इस सेशन में हम लोग जनवरी से मार्च तक के इंडेक्सेस को हम लोग चेक करेंगे कि उसमें इंडिया का रैंक क्या है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही शेयर कर लें। और वीडियो के अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आते हैं इस सेशन के पहले इंडेक्स पर, जो कि है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020, जो कि इसमें इंडिया का रैंक है 84th रैंक इंडिया का है। और इसमें सबसे टॉप कंट्री कौन सा है? जापान। इसमें सबसे टॉप कंट्री है जापान, और सबसे नीचे स्तर पर कौन सा है कंट्री? अफगानिस्तान। तो फ्रेंड्स, इसे बिल्कुल ना भूलें। सेकंड हम लोग का है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020। ये रिलीज किसके द्वारा होता है? ये होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में आता है, तो प्लीज़ इसे नोट कर लें। इसमें इंडिया का हम लोग का रैंक कितना है? 76th हम लोग का इंडिया का रैंक है। और सबसे टॉप पर कौन है? डेनमार्क। और सबसे नीचे में कौन है? कोट डे लेवर। ये 82nd प्लेस पर, ये सबसे निचले स्तर पर है। मींस इसमें 1 to 82 तक इसमें प्लेस किया गया है, जिसमें फर्स्ट पे कौन सा है? डेनमार्क और सबसे बॉटम में है कोट डे लेवर। एंड रैंक ऑफ इंडिया क्या है? 76th रैंक है। फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट में 2020 बेस्ट कंट्रीज़ रिपोर्ट। जो बेस्ट कंट्रीज़ रिपोर्ट है 2020 का, उसमें इंडियाज़ का रैंक कितना है? 25th। और ये रिलीज़ किसके द्वारा होता है? ये होता है यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। ध्यान में रखिएगा, ये रिलीज़ किसके द्वारा होता है? यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडेक्स को कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में कन्फर्म आएगा। और सबसे टॉप पे कौन है? सबसे टॉप पे है स्विट्ज़रलैंड। और बॉटम में कौन है? लेबनन, जो कि 73rd है। मीन्स इसमें 1 to 73 तक प्लेस किया गया, किसमें? बेस्ट कंट्रीज़ रिपोर्ट 2020। फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट इंडेक्स पर, जो कि है 2019 डेमोक्रेसी इंडेक्स। जो कि डेमोक्रेसी, हम लोगों को पता है कि इंडिया, हम लोग का जो इंडिया कंट्री है, प्यारा सा भारत, ये वर्ल्ड का नंबर वन सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री है। तो फ्रेंड्स, ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 ये है, ये रिलीज़ किसके द्वारा होता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ये कन्फर्म है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? EIU। इसमें हम लोग रैंक देख लेते हैं इंडिया का। इसमें रैंक है 51 इसका रैंक है। और सबसे टॉप पर कौन है? नॉर्वे है। और सबसे नीचे कौन है? नॉर्थ कोरिया, जो कि 167th रैंक पर है। फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट इंडेक्स पर, जो कि है 2020 ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जो कि GTCI, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 72nd रैंक है। और सबसे टॉप पर कौन सा कंट्री है? स्विट्ज़रलैंड। और सबसे बॉटम है येमेन, जो कि 132nd, जो कि 132वां प्लेस पर है येमेन। इसको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं इंडेक्स पर, जो कि हम लोग का कार्बन डिस्क्लोज़र प्रोजेक्ट 2019 रिपोर्ट। ये रिलीज़ किसके द्वारा होता है? ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। इसमें इंडिया का रैंक कितना है? फिफ्थ रैंक है। और सबसे टॉप पर कौन सा है? यूएस यूनाइटेड स्टेट। आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग का इंडेक्स है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019। तो ये रिलीज़ किसके द्वारा होता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। आप याद रखिएगा,
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019, ये रिलीज किसके द्वारा होता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 80th रैंक है इंडिया का इसमें। और सबसे टॉप पर कौन है? डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड। और सबसे बॉटम में कौन है? सबसे नीचे कौन है? सोमालिया, जो कि 180th प्लेस पर है। आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट इंडेक्स पर, जो कि है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? रिलीज्ड बाई यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, दैट इज GIPC, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ओके फ्रेंड्स, रैंक ऑफ इंडिया क्या है? 40th रैंक पर है। और टॉप पे कौन है? US, यूनाइटेड स्टेट। आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट इंडेक्स पर, जो कि है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, जो IIS फुल फॉर्म आता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, सारे इंडेक्स को आने वाले एग्जाम में कन्फर्म पूछे जाएंगे। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज एनुअल मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है कि डिफेंस में कितना स्पेंड हुआ है मनी। तो ये स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इन 2019 में डिफेंस पे कितना स्पेंड किया गया था पैसा, वो है US डॉलर बिलियन में। USA कितना किया था? 684.6 बिलियन डॉलर। एंड चाइना कितना किया था? 181.1। एंड सऊदी अरबिया 78.4, रसिया 61.6 बिलियन डॉलर। एंड इंडिया सबसे कम किया था, बट उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा करें। तो इंडिया किया था 60.5 बिलियन डॉलर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इंडेक्स पर आते हैं, वर्ल्ड वाइड एडुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स इन 2019, ये रिलीज्ड बाई द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा रिलीज किया जाता है। क्या? वर्ल्ड वाइड एडुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स। तो इसमें इंडिया का रैंक कितना है? इसमें इंडिया का रैंक है 35th रैंक है इंडिया का। और सबसे टॉप पर है फिनलैंड। तो फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट इंडेक्स पर, जो कि है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, जो कि द रिपोर्ट वाज कमीशन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WHO एंड UN चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ एंड ऑल्सो लैंसेंट मेडिकल जर्नल, ये द्वारा रिपोर्ट किया जाता है, रिलीज होता है। तो ये तीनों नाम WHO, यूनिसेफ एंड लैंसेंट मेडिकल जर्नल। तो ये रैंक ऑफ इंडिया क्या है? इसमें इंडिया का रैंक है 77th इंडिया का रैंक है। और सबसे टॉप पर है नॉर्वे। तो इसे याद रखना है। और नेक्स्ट हम लोग का इंडेक्स है ट्रेड रिलेटेड इलिसिट मीन्स होता है ना इलीगल होता है। और लिसिट मीन्स होता है वैलिड या लीगल है। तो ट्रेड रिलेटेड इलिसिट फिनंशियल फ्लोज इन 135 डेवलपिंग कंट्रीज इन 2008 to 2017। तो इसमें ये रिलीज किसके द्वारा होता है? यूएस बेस्ड थिंक टैंक ग्लोबल फिनंशियल इंटेग्रिटी, ये GFI द्वारा रिलीज किया जाता है, जो कि इसमें इंडिया का रैंक है थर्ड हाईएस्ट पे है। एंड इंडिया हैज़ द थर्ड हाईएस्ट ट्रेड रिलेटेड इलिसिट फिनंशियल फ्लो। एंड टॉप पे है चाइना। तो नेक्स्ट हम लोग का इंडेक्स है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020, कितना फ्रीडम है वर्ल्ड में। तो इसमें इसको रिलीज कौन करता है? यूएस बेस्ड एनजीओ फ्रीडम हाउस, जो ये यूएस में बेस्ड है एनजीओ फ्रीडम हाउस,
वो इसको रिलीज़ करता है। और इंडिया का रैंक कितना है, 83rd इंडिया का रैंक है। और टॉप पे है फिनलैंड, टॉप पे कौन है, फिनलैंड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग का इंडेक्स है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020। तो ये रिलीज़ किसके द्वारा होता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा ये रिलीज़ होता है। और इसमें इंडिया का रैंक कितना है, 46th इसमें इंडिया का रैंक है। और टॉप पे कौन है, स्वीडन, टॉप पे है स्वीडन। और सबसे नीचे है बुरुंडी जो कि 100 प्लेस पर है। आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, और बहुत ही लाजवाब इंडेक्स है, ये है वेमेन ऑन बोर्ड 2020 स्टडी बेस। तो ये रिलीज बाय my hiring club.com एंड sarkarinaukri.info ये रिलीज़ करता है, जिसमें इंडिया का रैंक है 12th एंड टॉप पे है नॉर्वे। आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट इंडेक्स पर, जो कि है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो कि रिलीज़ करता है यूएन यूनाइटेड नेशन। ओके फ्रेंड्स, और इसमें इंडिया का रैंक कितना है, 144th इंडिया का रैंक है। और टॉप पे कौन है, टॉप पे है फिनलैंड। और बॉटम में कौन है, सबसे नीचे कौन है, अफगानिस्तान, जो कि 156 प्लेस पर है। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग आते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो कि रिलीज बाई हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो इसके द्वारा ये पब्लिश होता है, रिलीज़ होता है। और इसमें इंडिया का रैंक कितना है, इसमें इंडिया का रैंक कितना है 120 इंडिया का रैंक है। और टॉप पे है सिंगापुर। और सबसे बॉटम में कौन है नॉर्थ कोरिया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का इंडेक्स है 2019 डेमोक्रेसी इंडेक्स जो कि रिलीज बाई इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट एंड इंडियाज का रैंक है 51 रैंक है। और टॉप पे है नॉर्वे एंड बॉटम में है नॉर्थ कोरिया जो कि 167 रैंक पर है। नेक्स्ट इंडेक्स पर आते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स है इस सेशन का, जिसमें है वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2020 इंडेक्स। तो इसमें ये रिलीज़ किया जाता है किसके द्वारा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है। और जिसमें RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 6th, जिसमें 6th रैंक है RBI का, इन द लार्जेस्ट बायर ऑफ सुवर्ण गोल्ड अबोर्ड। ओके फ्रेंड्स, इन द लार्जेस्ट बायर ऑफ सुवर्ण गोल्ड अब्रोड एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना रसिया, कजाकिस्तान, तुर्की, पोलैंड बॉट मोर देन इंडियाज इन 2019। सो फ्रेंड्स, इस सेशन में ये सारा इंडेक्सेस था। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों में, ताकि उनको भी आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिले। और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी इस नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। और इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ भी जाकर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ स्टडी मटेरियल बहुत सारे दिए हुए हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।